हेलो फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पीसी में ब्लूटूथ की चिप सेट भी नहीं है, फिर भी आप ब्लूटूथ स्पीकर पीसी को कैसे अटैच कर सकते हैं और उसका साउंड इस ब्लूटूथ स्पीकर में आप सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद एक छोटी सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है साउंड वायर सर्वर या फिर सिर्फ साउंड वायर। हाँ, तो उसके बाद मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया, इसको हम अभी ओपन करेंगे। आप इंस्टॉल करके ओपन कीजिए। तो इसके बाद हम अभी पीसी पर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अब हम हमारे पीसी पर आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले क्रोम ओपन करना है, क्रोम या फिर आपके पास जो भी ब्राउज़र है। ये देखिए, यहाँ पर क्रोम हमने ओपन किया। तो इस पर हम टाइप करेंगे साउंड वायर सर्वर, जो कि हमने मोबाइल पे टाइप किया था वही हम इधर भी टाइप करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने टाइप किया। तो यहाँ जाकर आपको यहाँ जाना है, सबसे पहले लिंक जो आ रही है यहाँ पर जॉर्जी लैब्स, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको पूछेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, विंडोज़ XP या फिर लिनक्स 64 बिट, लिनक्स 32 बिट या रास्पबेरी या फिर अपना कॉमन विंडोज़ 7, 8 और 10। तो मैं हमारे पास विंडोज़ है तो हम विंडोज़ पे जाएंगे। अभी ये लोड होगा थोड़े देर। तो उसके बाद ये आपको ऐसी कुछ फाइल दिखेगी, तो हमको इधर इधर से डाउनलोड नहीं करना है। कुछ लोग यहाँ से कर लेते हैं, मैं आपको पहले ही बता दो, यहाँ से हमें डाउनलोड नहीं करना है। ये तो PDF डाउनलोड होगी, फिर हमको सिर्फ वो फाइल डाउनलोड करनी। तो हम यहाँ जाएंगे इस वाले डाउनलोड पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले डाउनलोड पर हमें जाना है। और वहाँ जाने के बाद अभी मैंने तो डाउनलोड कर ली है ना, तो मैं क्यों करूँगा फिर से। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो डाउनलोड, आप यहाँ से एक जाने दो, अभी फिर कर देता हूँ। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वो आपको ये देखिए ऐसा कुछ सेटअप दिखाएगा, या फिर आपके पीसी में थोड़ा अलग दिखाएगा, क्योंकि मैं FDM से डाउनलोड करता हूँ सभी लिंक। तो यहाँ पे 1.91 MB की ये फाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.91 MB, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसको। और अगर इंटरनेट कैसा आपको जोड़ना है कंप्यूटर को, ये वाला जो वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वो फाइल हम ओपन करते हैं अभी। तो अभी हमें उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ये देखिए यहाँ पर है वो फाइल, मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखा साउंड वायर सर्वर, अभी मैंने हाल ही में इंस्टॉल किया है तो मैं फिर से नहीं करूँगा। अभी इंस्टॉलेशन के बाद ये आपको कुछ ऐसी विंडो आएगी, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये विंडो आएगी आपको। तो अभी हमें फ़ोन पे जाना है। और एक बात मैं भूल गया कि फ़ोन स्पीकर को ब्लूटूथ से हमें फ़ोन से पहले ही कनेक्ट कर लेना है। ये सब चीज़ें करने से पहले ही तो हमने वो कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन आइकॉन दिखा रहा है यहाँ पे कनेक्टेड, एक मिनट। हाँ, तो अभी ये देखिए कनेक्टेड है वो। तो यहाँ पे जो सर्वर दिखा रहा है हमें, तो वहाँ पे जो पीसी में हमें सर्वर एड्रेस दिखा है वो उधर टाइप करने का। तो मैं टाइप करता हूँ 2 मिनट। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि आपके पीसी को अपने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, जिससे आपका मोबाइल कनेक्टेड है। ये सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है इसकी। अभी वो एड्रेस टाइप करने के बाद ये जो आपको रिंग दिख रहे उस पर क्लिक करने का। अभी वो आपको पीसी पे दिखाएगा, ये देखिए कनेक्टेड। ये देखिए अभी वो कनेक्टेड हो चुका है। तो अभी जो भी हम साउंड प्ले करेंगे यहाँ पर पीसी पर, वो सब अभी उस ब्लूटूथ स्पीकर से हमें सुनाई देगा। तो चलिए एक बार करके देखते हैं हम। तो अभी हम YouTube पे नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं पीसी के YouTube में। आप देख सकते हैं, अभी मैं वॉल्यूम
अप करूँगा। और एक प्ले करके देखते हैं अभी हम। Oh, I don't think I know video is important. I would so much rather create like a cool little video. ये सक्सेसफुल हो गया अभी। तो मैंने जो भी स्टेप्स आपको बताया है वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको ये स्पीकर की अनबॉक्सिंग रिव्यू चाहिए तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिंक डालूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐसे ही टेक वीडियोज़ आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स।